हसन मोहतरम वादी उस्सलाम, सलामती की वादी। अगरचे शहर नजफ अशरफ के नामों में से एक नाम वादी उस्सलाम भी है, और तबादुर ज़हनी यानी कि जब भी वादी उस्सलाम पुकारा जाता है तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो इसी कब्रिस्तान का ख्याल आता है कि जिस कब्रिस्तान में इस वक्त हम और आप मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसका इहाता सबसे बड़ा है और तकरीबन 2 किलोमीटर का रेडियस, 2 किलोमीटर के दायरे पर मुहित ये कब्रिस्तान कि जिस मकाम पर नहीं मालूम कितने परवरदिगारे आलम के सालेह बंदे, शुहदा, उलमा, मराजे की कब्रें हैं। अलबत्ता तारीखों ने ये बताया तकरीबन 75,000 अंबिया की कब्रें इसी वादी उस्सलाम में मौजूद हैं। 75,000 अंबिया, 70 या 75,000 अंबिया की कब्रें वादी उस्सलाम में मौजूद। ये और बात के तारीख की किताबों ने वफाना की के उनमें रिकॉर्ड होता हर नबी की कब्र का मकाम। अलबत्ता जो 2 अंबिया जिनकी कब्र इस वक्त आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने है, नबी खुदा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और नबी खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इनकी कब्र या इनके दफन का मकाम सैयद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद मेहदी बहरुल उलूम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकाशफे का नतीजा, आपका एक मुकाशफा कि जिसके अंदर आपको ये बतलाया गया कि इन 2 नबियों की कब्रें यहाँ पर मौजूद। खुसूसियत के साथ मस्जिद कूफा के अंदर जो मकामात हैं उनकी निशानदही करने वाले भी सैयद मेहदी बहरुल, और इसी तरह से मस्जिद सहला के मकामात की भी, और करबलाए मुअल्ला के अंदर कुछ मकामात तो खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उनकी निशानदही फरमाई। बाकी कुछ वो थे कि जिन्हें सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने बताया। बहरहाल इस मकाम पर इस वादी उस्सलाम के बारे में 6वें इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अरवाह दुनिया में जहां कहीं पर भी, दुनिया के जिस हिस्से में किसी मोमिन मोमिना का इंतकाल होता तो परवरदिगार आलम के हुक्म से उसकी रूह को दुनिया के उस मकाम से मुंतकिल किया जाता है वादी उस्सलाम। रूह तो किसी मोमिन मोमिना की दफन कहीं पर भी हो, उस मोमिन मोमिना की रूह परवरदिगार आलम का हुक्म है कि वादी उस्सलाम ही लाई जाए। अब होता यह है कि जब यहाँ पर हम आते हैं और देखते हैं कि कुछ अफराद ज़मीन पर बैठे खत बना रहे होते हैं, नहीं मालूम कोई जायचा तैयार कर रहे होते हैं, नहीं मालूम क्या कर रहे होते हैं। मैं इसलिए इस अंदाज से कह रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया और हम तक शरीयत के ज़रिए इस तरह से लाइनें बनाना, खत खींचना नहीं आया। अब होता ये कि देखा देखी, एक को देखा दूसरा शुरू हो गया, और तो और किसी ने हमें अपने वतन से आते हुए ये कहा था जाओ तो ज़रा लाइन लगा के मेरी भी हाजिरी लगा देना। और कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि उन्हें कहा जाए ना कहा जाए वो ज़रूर यहाँ आके बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई अपनी बेगम की खबर बना देता है किसी बहाने, लेकिन ये सारी जो चीज़ें इसमें कोई हकीकत तो नहीं है। या ये कह लीजिए कि आपको अपनी उंगली से बनाए हुए खत पर ज्यादा भरोसा है 6वें इमाम के कॉल से
جب چھٹے امام علیہ السلام نے ایک بار فرما دیا معصوم امام ہے، امام برحق ہے، فرما چکے ہیں کہ مومن مومنہ ہونا شرط ہے، اس کے بعد تمہاری روح علیہ السلام ہی لائی جائے گی، اگر کسی کو اپنے مومن مومنہ ہونے میں شک ہے تو جا کر بنا لیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ خط بنانا، یہ لائنیں بنانا ایک ایسا سلسلہ ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سلسلہ شروع ہو جائے اور ایک وقت آ جائے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جب اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب سب لوگ ٹھیک سمجھ رہے تو یقیناً شریعت کا حصہ ہوگا، اور شریعت میں ایک بیجا اضافہ ہو جائے، بس اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، اور کس چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ اٹ مینس کہ انسان لا، مطلب انسان اپنے ادراک سے ہٹ کر اپنی سمجھ میں خود ہی کوئی اگر عمل کرنے لگے وہ کہاں جا کر اینڈ ہوتا ہے؟ دیکھا، ایک بدعت بن جاتی جو سراسر غلط ہے، لہذا اس عمل سے خدا را دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، پرہیز کریں، صرف اور صرف یہ خط کھینچ دینا نہیں ہوتا، اپنا عمل ہوتا ہے جو انسان کو جان لے کر آتا ہے، اور روح کی بات تو ہے ہی، انسان کا جسم بھی یہاں پر آ سکتا ہے، پروردگار عالم کا اگر حکم ہو تو فرشتہائے نقال ہوتے ہیں، نقل مکانی کرنے والے، منتقل کرنے والے، جسموں کو ایک مقام سے دوسری مقام پر منتقل کرنے والے، انسان وہیں پر دفن ہوتا ہے، اس کی قبر وہیں پر بنتی ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کی قبر وہیں پر قرار ہوتی ہے، اس کو دفن ہونا وہیں نصیب ہوتا ہے جہاں کا، جس زمین کا وہ اہل ہوتا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ دفنا دیا جائے جہاں دفن ہونے کا وہ اہل نہ تھا تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ کربلا میں دفنائے جانے کا اہل ہے، جاؤ اسے اس کی قبر سے، وہاں سے جاؤ، اپنے وطن میں دفنایا گیا وہاں سے منتقل کر کے کربلا لے کر آؤ، یا اسے نجف لے کر آؤ۔ انسان زور اپنے اعمال پر دے، بہتر سے بہتر عمل کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ پروردگار عالم خود اپنے فرشتوں سے کہے کہ یہ یہاں نہیں، یہاں دفنائے جانے کے قابل، اور اس کے بعد اگر کسی کے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اس قابل بنانے کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو خط نہ کھینچیں، مولا امیر کی بارگاہ میں جا کر دس بستہ گزارش کر کے سر کو جھکا کے امام سے، مولا سے کہیں، مولا میرا فلاں رشتہ دار، بس یہ دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کا ظاہر ہوں، اپنے اس فلاں رشتہ دار کی آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اور آپ کا پروردگار جیسا آپ کو ٹھیک ہو۔ لہذا اس بات کو ذرا سا اپنے دامن گیر کر لیجئے، اور کسی ایسے عمل سے اجتناب کیجئے کہ جو انسان کو حرام کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد، وادی السلام، مولا علیہ السلام، مولا صادق آل محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی آنی والی ارواح کا استقبال وہ روحیں کر رہی ہیں جو پہلے سے وادی السلام میں موجود ہیں۔ انسان جب کسی نئی جگہ پہ جایا کرتا ہے اور وہاں سے مانوس نہیں ہوتا تو اس کا دل گھبراتا ہے، چاہے کتنی اچھی جگہ کیوں نہ ہو، تو جو ارواح پہلے سے وادی السلام میں ہوتی ہے وہ نئے آنے والی روحوں کا استقبال کرتی ہے، اور کچھ روایتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا دل بہلانے کے لیے ذکر علی کی محفل کو سجایا جاتا ہے وادی السلام۔ پروردگار عالم ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب کرے، اگر انسان موت کا یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنائے تو پھر اس سے کبھی موت سے ڈر نہیں لگے گا، موت گھبرانے یا ڈر جانے والی چیز تھوڑی ہے، موت کا جب ذکر کیا جائے تو انسان پہلا حوالہ یہ آتا ہے کہ علی سے ملاقات ہوگی، پہلا یہ حوالہ آتا ہے، موت سے پہلے جو وقت آخر ہے انسان کا، مولا کائنات کی زیارت ہوتی ہے ہر مومن کو اور ہر منافق کو، مومن دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہی وہ علی ہے کہ جس کو ماننے کی وجہ سے میں سرخرو ہوا، اور منافق بھی دیکھتا ہے علی کو اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی علی تھا جس کو نہ ماننے کی وجہ سے میں نجات یافتہ نہ ہو سکتا۔ لہذا وادی السلام، اتنی قبریں، شہر خموشہ، یہاں پر آنے کے بعد انسان دیکھے بڑے سے بڑا نام یہاں پر لکھا ہوا، کسی کی قبر پر تختی لگائی گئی، کسی کے قبر پر تصویر لگائی گئی، جیسا بندہ تھا ویسا اہتمام کیا گیا،
मगर आज वो भी मट्टी में है, ये भी मट्टी में। मनो मट्टी तले दबाया गया उसे भी कि जिसके पास दुनियावी हर आसाइश थी, और उसे भी कि जो दुनिया में फकीरी की जिंदगी गुजारता था। अंजाम सबका एक ही, गुरूर से चलने वाले को भी अपना कोई दुनियावी प्रोटोकॉल काम ना आया। आखिरी मावा और मलजा यही कब्र है कि जहां पर आना है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जंगे सिफीन से जब कूफा पहुंचने से पहले इस मकाम से गुजरे और रुक कर एक मरतबा सलाम किया है अहले कुबूर को, अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, और उसके बाद फिर वो मशहूर और मारूफ हदीस के जो आपने बारहा सुन रखी है कि ए वहशत ज़दा घरों में रहने वालों, ए उस जगह पर रहने वालों जहां पर रोशनी का गुजर नहीं, तुम पहले पहुंच गए, हम कुछ अरसे के बाद तुमसे आकर मिलने वाले। जिन अजवाज को छोड़ कर गए उनसे किसी और ने निकाह कर लिया, जो माल छोड़ कर गए वो तकसीम हो गया, जो घर छोड़ कर गए उसमें लोग कोई और आकर रहने लगे। अच्छा, ये तो तुम्हारी इस दुनिया की खबर थी कि जो हमारी दुनिया है, जो अब तुम छोड़कर वहां चले गए, जहां तुम गए हो वहां की कुछ खबरें सुनाओ। अब यहां पर आकर खामोशी हो गई, असहाब साथ मौजूद हैं। मौलाए कायनात ने कहा ये हमारी दुनिया की खबर हो गई, अपनी दुनिया की वो खबर सुनाओ। अब अगर कोई मुर्दा बोलेगा भी तो आवाज आएगी किस? मौला ने कहा अमा लौ उज़िना लहुम फिल कलाम लाखबरूकुम इन्ना खैरज़ ज़ादित तक्वा, अगर उन्हें इजाजत मिल जाए तो वो यही कहेंगे इन्ना खैरज़ ज़ादित तक्वा, खुदा की कसम जो अल्लाह का कान हो, जो उज़ुनुल्लाह हो, उसी को ये जुमला कहना सजता है। तो ये कहे जो वो सुन पाता हो, जो आम इंसान ना सुन पाते, कोई ये कहे तो सजता है। लिहाजा अब कुछ काम ना आया, तकवा काम आया, अपना अमल काम आया। यही वजह है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो कुछ अनवार होते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक तरफ से एक नूर आया, पूछा कौन मैं तेरी नमाजें, एक तरफ से एक नूर आया, पूछा कौन मैं तेरे रोजे, सर की जानिब से एक नूर आया, कहा मैं तेरा हज, पाँव की जानिब से एक नूर आया, कहा मैं तेरी ज़कात। अचानक से एक और नूर तुलू हुआ और वो तमाम अनवार में सबसे ज्यादा मुनव्वर नूर था। कहा तू कौन है? कहा कि मैं वो नूर हूं कि अगर मैं ना होता तो इनमें से ये कोई मौजूद ना होता था। कहा मैं तेरे दिल में मौजूद मोहब्बत अली और औलाद अली हूं, अगर ये तेरे दिल में ना होती, अगर ये तेरे दिल में ना होती तो ना नमाज का नूर साथ लेकर आ पाता, ना अपने रोजों का नूर साथ लेकर आ पाता, ना जिहाद, ना ज़कात, ना हज। नबीउल्लाह हूद और नबीउल्लाह सालेह, दो नबी दो कौमों पर मबूस किए गए, कौम आद पर हज़रत हूद, कौम समूद पर हज़रत सालेह। पहले हज़रत सालेह, पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, आपके बाद हज़रत सालेह। मैं बहुत मुख्तसर करके बयान करूँगा। ये दोनों वो अंबिया के एक कौम ख़त्म हो रही है, उसके बाद फिर एक दूसरी कौम आ रही है, कौम याद आई फिर कौम समूद आई। अच्छा, ये दोनों कौमें वो हैं कि परवरदिगार आलम ने इन्हें तकरीबन हर नेमत से मालामाल किया, हर नेमत। और ये कौमें वो कि जो अपने घर पहाड़ों को काट कर बनाया करते थे, लंबे लंबे कद वाले लोग, कदावर लोग, खेती बाड़ी करने वाले, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स इनके पास बेतहाशा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अब जब हर नेमत मिल गई तो परवरदिगार आलम ने अपने नुमाइंदे को भेजा अपना पैगाम देकर कि अब देखो नेमतें मिली, तो नेमत देने वाले का शुक्र अदा करना इंसान की फितरत में परवरदिगार आलम ने रखा है। शुक्रुल मुनइम वाजिबुन, शुक्र मुनइम, मुनइम नेमत देने वाले का शुक्र करना इंसान की फितरत में रखा है। दुनिया का कोई इंसान हो, उसे कोई भी शख्स आके कोई नेमत दे दे तो वो कम से कम इतना ज़रूर करता है कि उसे थैंक यू बोलता है, शुक्र अदा करता है। उसे सिखाया ना भी जाए वो करता है, उसकी फितरत में है। तो जब एक फितरी काम का तकाजा किया तो वो लोग के जो अपनी फितरत से भटक गए थे, सरकशी करने लगे, जिस परवरदिगार की अता करदा नेमतें इस्तेमाल कर रहे थे उसी का शुक्र अदा करने को तैयार ना हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने और हजरत सालेह ने दोनों ने किसी अंदाज से कहा कि देखो अब जब पैगाम आ गया है और खुदा की हुज्जत तमाम होने वाली है,
तो अगर तुमने इस हुक्म को ना माना तो याद रखना आखिर में परवरदिगार आलम का अजाब आएगा। हजरत हूद हो या हजरत साले अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। ये थे, माल बहुत था, ताकत बहुत थी, परचेजिंग पावर बहुत थी, लिहाजा अपने आप को समझने लगे कि अब हम ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हैं कि हम किसी की तहते तसल्लुत नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं। और यही वो मौका होता है कि जहां पर परवरदिगार आलम इंसान को एहसास दिलाता है कि नहीं, जिसने तुझे नेमत दी वो यकीनन तुझसे ऊपर है, अगर मानोगे तो ठीक, वरना एहसास दिलाया जाएगा। और नबी खुदा का हुक्म न मानने की सजा इस अंदाज से मिली। लोगों ने आकर कहा कि भाई आप क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं अपनी बात समझाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, रोज़ रोज़ का आपने मसला लगाया हुआ है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आने दें, देखिए हम भी देख लेंगे कि अल्लाह का कौन सा अज़ाब है आ रहा है। और फिर कौम आद पर कहत का अज़ाब आया, बारिशें बंद, अनाज उगना बंद हो गया, करीब था लोग मर जाते, इतने में इन्होंने देखा कि सिया बादल आ रहे हैं। जब सिया बादलों को आते हुए देखा तो समझे कि परवरदिगार आलम की रहमत की नवेद है, परवरदिगार आलम की रहमत की खुशखबरी है, बारिश होने वाली है। कुरान करीम की आयत है, जिस चीज़ को वो अपने लिए रहमत समझ रहे थे अनकरीब उनके लिए जहमत बनने वाली थी, वही उनके लिए अजाब इलाही बनने वाला था। और वो बारिश क्या हुई, एक मरतबा तूफान में तब्दील हुआ और सारे के सारे अफराद उस तूफान की नज़र हो गए, ख़त्म हो गए, बिजलियों ने उन्हें जला दिया और उस ज़मीन पर, उस कुर्रा अर्ज पर कौम आद का नाम व निशान ख़त्म हो गया। परवरदिगार आलम ने उसी जगह पर, उसी ज़मीन पर एक और कौम को पैदा किया, कौम समूद, वो भी आई, उन्हें भी नेमतें मिली, उन्हें भी परवरदिगार आलम का एक पैगाम पहुँचाने वाला नबी मिला, हिदायत करने वाला, उसकी हिदायत को उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं, लिहाजा परवरदिगार आलम ने इतमाम हुज्जत के बाद अज़ाब नाज़िल किया, वो भी ख़त्म। उनका इम्तिहान नाकाए सालेह के ज़रिए से लिया गया, एक ऐसी ऊँटनी के जो आसमान से नाजिल हुई थी और नहर से, जिस नहर से कौम सालेह, कौम समूद पानी पिया करती थी, उस नहर से एक दिन ये ऊँटनी पानी पिया करती थी, जब ये पानी पिया करती थी उस दिन फिर कौम के लिए पानी पीने के लिए बाकी नहीं रहता था, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। आखिर में उन्होंने तय किया, हज़रत सालेह ने बताया था कि देखो इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसे कोई अजियत ना पहुंचे, ये तुम्हारा इम्तिहान है, नाकाए सालेह तुम्हारा इम्तिहान है। लिहाजा इन्होंने एक शख्स को तैयार किया कुछ लालच देकर, उसने नाकाए सालेह की टांगों को काटा और आखिर में नाकाए सालेह को शहीद कर दिया। बेगुनाह नाकाए सालेह, बेजुबान नाकाए सालेह, जिसके जरिए से कौम सालेह का इम्तिहान लिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 6 महीने बच्चे, अपने 6 महीने के बच्चे की मिसाल कौम साले के ज़रिए से दी, कहा कि मेरा 6 महीने का असगर नाकाए साले से ज़्यादा अफजल था और इस नाकाए साले से अफजल मेरे अली असगर के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने इस कौम का इम्तिहान किया और उसे शहीद कर दिया गया। बहरहाल ये दोनों कौमें इस तरह से, और कौमें आई चली गई, पैगाम देने वाला नबी उसका नाम बाकी रहा, परवरदिगार आलम का जो नुमाइंदा था उसका नाम बाकी रहा, परवरदिगार आलम के रास्ते पर चलकर कुर्बानियां देने वालों का नाम बाकी रहा, जिन्होंने सरकशी इख्तियार की उन लोगों का नामो निशान ख़त्म हो गया, वो इबरत का निशान बनकर रह गए। कौमें आई चली गई, मगर एक खुसूसियत, एक ख़ास बात थी, हर नबी ने किसी न किसी मरहले पर आकर परवरदिगार आलम से अपनी कौम के लिए अजाब का तकाजा कर दिया, कहा कि ऐ खुदा तूने जिस अजाब का वादा किया है अगर तू चाहे तो अब उसे नाजिल कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कि अब ये कौम समझने वाली नहीं है। अगर मेरा सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन पर, ताइफ में पत्थर खाए, मक्का में कूड़ा करकट फेंकने वाली औरत की असियत को बर्दाश्त किया, मगर जब वो बीबी मरीजा हुई खुद चलकर उसके घर जाकर उसकी इयादत फरमाई, ताइफ के अंदर इतना लहूलुहान हुआ, इतने पत्थर बरसाए गए, इस्लाम का पैगाम लेकर गए रसूल, सर का पा, सर के बाल से लेकर नाखून के पाँव के नाखून के सिरे तक
खून में लहूलुहान किया मेरे रसूल को। जिब्रील ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर आप हुक्म कर दें, ये दो पहाड़ है ना, फकत इन्हीं दो पहाड़ों के दरमियान इशारा कर दूंगा, ये कौम जो इन दोनों पहाड़ों के दामन में बसी हुई है, दोनों पहाड़ों के दरमियान पिस कर खत्म हो जाएगी। रसूल ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने मुझे इनके दरमियान रहमत बनाकर भेजा है, मैं इनके लिए जहमत नहीं बना सकता, और ये नादान है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार आलम इनकी नादानी को दूर करे, इन्हें इल्म दे, इनको रास्ता दे। और जब मेराज पर तशरीफ ले गए रसूल, हजरत मूसा भी कलाम करते थे अल्लाह से, जब भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब दिल चाहता था तशरीफ ले जाते थे कोहे तूर पर, और परवरदिगार आलम से कलाम हम कलाम हो जाते थे। मगर हजरत मूसा के कलीमुल्लाह होने में और रसूल खुदा के सफर मेराज पर जाने में एक फर्क है। यहाँ जब हजरत मूसा का दिल चाहता था कोहे तूर पर जाते थे, यहाँ रसूल को सफर मेराज करवाया है खुद खुदा ने ये कहा, ए मेरे हबीब, आ जाओ हमारे पास अर्श ओला पर के हमें तुम्हारी मुलाकात का इश्तियाक हुआ। जब रसूल तशरीफ लेकर आए तो खुदा ने कहा, ए मेरे हबीब, करो तकाजा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, आज जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। वहां पर अपनी औलाद को याद नहीं किया, अपनी अहले बैत को याद नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अगर मांगा याद रखा तो अपनी उम्मत को। कभी नमाजों में आसाइश, कभी रोजों की सख्तियों में, कभी कभी भूल से कर दिए जाने वाले अजाब पर, गुनाह के न मिलने, न दिए जाने अजाब के उठा लेने का सवाल, आसानियों पर आसानी है अपनी उम्मत के लिए। और जब उम्मत को देखो तो बोलती है कि ये कितना पुराना दीन हो गया, ये कितना आउटडेटेड मजहब हो गया, दुनिया 2017 में है और हम आज भी उसी दतियानूसी दीन नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक का कम बदान पर अमल कर रहे हैं। रसूल अकरम का दीन वो आफाकी दीन है जो कयामत तक के लिए परवरदिगार आलम ने ऐसे सजा कर भेजा है कि इसके कवानीन कयामत तक के लिए काबिल अमल है, ऐसी इसके अंदर बरकत है। परवरदिगार आलम ने इसको ऐसा बनाया है कि कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए ये साबित है, हयात है, बस इस पर अमल करो और कामयाबी की तरफ गामजन हो। आदिदान मोहतरम, परवरदिगार आलम से यही दुआ करेंगे कि बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा, अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर, कवी से कवी तर करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम अपने तवक्कुल की नेमत और दौलत हम सबको अता फरमाए, हमारी ज्यारतों को कबूल फरमाए, इल्म नाफे नफा बख्श इल्म हम सबको इनायत फरमाए। जो शख्स, जो अशखास, जो मोमिनीन मोमिनात माली परेशानियों के अंदर मुबतला हैं, परवरदिगार आलम उनकी माली परेशानियों को दूर फरमाए। जो मरीज़ हैं परवरदिगार आलम उन्हें शिफा इनायत फरमाए। जो मरहूमीन हैं परवरदिगार आलम उनकी कब्रों पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। जो अफराद बे औलाद हैं मौलाए कायनात के सदक़े में उन्हें नेक और साले ज़ुर्रियत और औलाद इनायत फरमाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमाए। इसी वादी सलाम के एतबार से एक और बात मिलती है जो सिर्फ वादी सलाम की हद तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे शहर नजफ पर इसका इतलाक होता है, दुर्रे नजफ। दुर्रे नजफ, नजफ का दुर को पत्थर के बारे में दो अकवाल हैं, बारिश होती है तो आम पत्थर दुर्रे नजफ में तब्दील हो जाते हैं, या ये कि दुर्रे नजफ में तब्दील हुए हुए पत्थर जो ज़मीन पर पड़े होते हैं, मट्टी के दरमियान अटे हुए होते हैं, जैसे बारिश होती है तो वो खुल कर वाजे होकर सामने आ जाते हैं, पानी पड़ता है तो उन पर से मट्टी हट जाती है और वो चमक कर हमें सामने दिखाई देते हैं, जबकि दोनों बातें हमें मिलती हैं। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, मैं पसंद करता हूँ कि मोमिन अकीक दुर्रे नजफ फिरोज़ा याकूत या हदीद सीनी इन पांच पत्थरों में से कोई पत्थर पहने। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने पूरी हदीस पर अमल किया, पांचों पांच पत्थर अपने उंगलियों में पहन लिए, और यकीनन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और इमाम अलैहिस्सलाम की बयान करने का मकसद ये कि मौला ने एक दस्तरखान लगा दिया आपके सामने,
पांच पत्थर है अपनी अपने शौक से, अपनी पसंद से, अपनी सहूलत, अपनी तबीयत मिजाज से, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पत्थर पहन लो, बाइसे सवाब होगा। दुर्रे नजफ को देखना भी इंसान के लिए सवाब का बाइस है। अकीक पहनने के बारे में क्यों कहा जाता है? अकीक, अकीक दरअसल हासिल होता है एक पहाड़ से, पहाड़, अकीक का पहाड़, जबल अकीक। पहाड़ों पर, जमीनों पर, आसमानों पर, खाने पीने की चीजों पर परवरदिगार आलम ने अलगर्स के कायनात की हर शय की तरफ अली अपने अभी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को पेश किया। जिस चीज ने मौला की विलायत को कबूल कर लिया वो मकबूल हो गई, जिसने रद्द कर दिया वो चीज ही मर्दूद हो गई। जिस फल ने कबूल कर लिया मीठा हो गया, रद्द कर दिया कड़वा हो गया। जिस सब्जी ने कबूल कर लिया खाने के काबिल बनी, जिसने रद्द कर दिया खाने की, खाने पीने की चीजों से ही उसका उसका वो सफाया हो गया, बाहर निकल गई। अच्छा, जिस जब परवरदिगार आलम ने पहाड़ों की तरफ मौलाए कायनात अलैहि सलाम की विलायत को पेश किया, तो जिस पहाड़ ने सबसे पहले मौला की विलायत का इकरार किया वो यही जबल अकीक। यही वजह है कि हम अकीक का पत्थर पहनते हैं और अपने नजरों के सामने रखते हैं कि देखो भाई, ये पत्थर जब अली की विलायत का इकरार कर सकता है तो याद रखना तुम साहिब अक्ल व शऊर इंसान हो। जिंदगी में कभी कोई ऐसा मरहला ना आ जाए कि इस अली की विलायत के मुनकिर हो जाओ कि जिसका इकरार पहाड़ जैसा, जिसके पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, वो भी इकरार कर रहा है, तो तुम तो अफजल हो, अफजल मखलूकात। इस बात को बहुत ज्यादा तुलानी नहीं करूंगा, बहुत कुछ जहन में सोच कर आया था, लेकिन आप लोगों के चेहरे मुझे कुछ और पैगाम दे रहे हैं और मैं उसी पैगाम पर अमल करने लगा। इंशाल्लाह ज़ियारत पढ़ेंगे, ज़ियारत की तिलावत करेंगे, और अगर आपने हरम के हवाले से कुछ सुनना है तो फिर एक ऐसी सलवात पढ़ दें कि मैं समझ जाऊं कि ज़ियारत पढ़नी है या हरम के अंदर जो एक दो बातें रह गई थी कल वो मैं बयान करूं। फिर भी बुलंदर सलावात, बात हमारी शेख अब्बास कुम्मी के हवाले से हो रही थी, मैं यहीं से बात को कुछ आगे ले जाऊंगा। शेख अब्बास कुम्मी ने जैसा कि मफाती लिखी, यहां तक कल हमारी बात रुकी थी। शेख अब्बास कुम्मी ने एक और किताब भी लिखी, वैसे तो बहुत सारी तालीफात हैं आपकी, मगर एक ऐसी खास तालीफ कि जिस तालीफ का एक खास रब्त है जमाने करीब के गुजरने वाले मुज्तहिदीन में से एक बहुत बड़े नाम के साथ। आपने ये सोचा कि बिहारुल अनवार मुल्ला बाखिर मजलिसी ने बड़ी मेहनत करके 110 वॉल्यूम्स के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीसों को टॉपिक वाइज जमा कर दिया, लेकिन अगर कोई शख्स अज़्ज़ल ताख़िर पढ़ना चाहे तो उसे बड़ा वक्त दरकार है, बड़ी मेहनत दरकार है और डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। आपने सोचा कि क्यों ना बिहार और अनवार नूरों के समंदरों में, शेख अब्बास कुम्मी सोच रहे हैं कि इस नूरों के समंदरों में, इस समंदर की अगर कोई सैर करना चाहे तो उसे कश्ती की जरूरत तो होगी, तो क्यों ना मैं इस नूरों के समंदर में अपनी एक कश्ती छोड़ दूं। और उन्होंने एक कश्ती तैयार की और वो कश्ती तैयार हुई 20 सालों में, और वो कश्ती 8 जिल्दों पर तैयार हो गई, जो बिहारुल अनवार से चुन चुन कर हदीसें निकाल निकाल कर उस कश्ती यानी के सफीना, सफीनतुल बिहार उस किताब का नाम रखा उन्होंने, बिहार का सफीना, समंदरों का सफीना। वो समंदर कौन से? अनवार के समंदर, बिहारुल अनवार, मुल्ला बाकिर मजलिसी की बिहार में अपनी समंदर, अपनी कश्ती को छोड़ा 8 वॉल्यूम्स के अंदर। अगर कोई शख्स ये किताब पढ़ ले, अगर अरबी में इसका तर्जुमा नहीं हुआ, बहुत काम की, बहुत मुश्किल किताब, कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं, जितनी मरतबा मैंने इस किताब का मुराजा किया है, इस किताब ने खाली हाथ नहीं लौटा। इंसान रुक जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मरहले पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये किताब है, तो कहीं पर इंसान अगर
आदम अलैहिस्सलाम पर रुक गया और कोई ऐसा खास टॉपिक था जो समझ नहीं आ रहा, खोला वही टॉपिक लिखा हुआ है शेख अब्बास शकुम्बी ने, वही टॉपिक लिखा हुआ। ये बहुत मरतबा हुआ कि जिस टॉपिक पर आकर इंसान रुक गया, जब सफीनतुल बिहार को खोला तो वही टॉपिक डिस्कस हो रहा है सफीनतुल बिहार में। बड़ी बाबरकत किताब। सैयद खुई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आयतुल्लाह खुई की कब्र गालिबन कमरा नंबर 30 नंबर रूम, यानी 15 नंबर कमरा, 15 नंबर दरवाज़ा हरम के चारों तरफ, जो छोटे छोटी मेहराबों में दरवाजे बने हुए जिनमें ऑफिस वगैरह हैं, ये 30 नंबर का दरवाज़ा है कि जो बाबू साहब की तरफ पुश्त करें, हरम की तरफ अपना चेहरा रखें और राइट साइड पर अगर आप चले जाएं तो बाबे मुस्लिम इब्ने अकील, और बाबे मुस्लिम इब्ने अकील के बाद आने वाला एक दरवाज़ा की जो जिस पर शीशा लगा हुआ। सैयद खुई आयतुल्लाह खुई की खबर। आपसे आपके एक शागिर्द ने आकर सवाल किया और बड़ा टेक्निकल सवाल, मैं ये समझता हूँ कि ये फ़कत सवाल नहीं था बल्कि ये उसका एक तरीक़ा था। वो पता करना चाहता था कि मैं अगर कोई एक ऐसी बहुत ही काम की किताब का मुताला करना चाहूँ तो सैयद खुई से मैं पूछूंगा, लेकिन सैयद खुई इतनी आसानी से थोड़ी बताएंगे। तो अब अगर कोई अच्छा उस्ताद है, अच्छा शागिर्द है, तो उसे पता है कि मुझे अपने उस्ताद से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी। अपने उस्ताद के पास आया, अच्छा सवाल करो, अच्छा जवाब मिलेगा, सवाल करने का फन तुम्हें आना चाहिए। सवाल किया, सैयद खुई आयतुल्लाह उज़्मा ये बताइए कि अगर कोई ऐसा दिन आ जाए खुदा ना खास्ता आपको नजब से कूच करना पड़े, आपको परवाना मिल जाए कि अब आपको नजब छोड़कर जाना है और आपको इतनी इजाज़त है कि आप अपनी लाइब्रेरी से एक किताब उठा के लेकर जा सकते हैं, आप कौन सी किताब लेकर जाएंगे? अच्छा सवाल। सैयद खुई ने जवाब दिया, मैं अपने साथ किताब सफीनतुल बिहार लेकर जाऊँगा। आजकल चलिए छोड़ दीजिए, आजकल की बात ही नहीं कर रहे, सफीनतुल बिहार अपने साथ लेकर जाऊंगा। सफीनतुल बिहार यही किताब जो शेख अब्बास शकुम्बी ने लिखी। आप अगर बाबू साहब की तरफ अपना अपनी पुश्त करके खड़े हो जाइए, आपके सामने मौला का रोज़ा, राइट साइड पर एक मीनार, लेफ्ट पर एक मीनार। किताबों में ये मशरिकी और मगरबी मीनार करके बयान किया गया है, तो फिर ये थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इस अंदाज से समझा रहा हूँ कि अगर बाबू साहब को पीट करके खड़े हो जाइए, राइट पर मीनार, लेफ्ट पर मीनार। राइट पर जो मीनार है, दाएं जाने उस मीनार के बिल्कुल साथ एक दरवाज़ा, उस दरवाजे के अंदर एक कब्र अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, और लेफ्ट साइड पर जो मीनार है उस मीनार के बिल्कुल साथ एक दरवाज़ा, उस दरवाजे के अंदर शेख मुकद्दस अर्दबेली की कब्र। शेख मुकद्दस अर्दबेली वो कि जिनका नाम मुकद्दस नहीं था, आप थे इतने मुकद्दस के नाम मुकद्दस पड़ गया, वरना आपका नाम था अहमद इब्ने मोहम्मद अरबी। आपके बड़े मानवियत और रूहानियत से भरपूर वाक़यात हैं जो तारीखों में मिलते हैं, जो किताबों में मिलते हैं, उलमा की सीरत में मिलते हैं। उनमें से बड़ा मशहूर और मारूफ ये कि जब भी आप हरम के बंद हो जाने के बाद अगर कभी ज़्यारत के लिए दरवाज़े हरम पर आकर खड़े हो जाया करते थे, इज़्ने दुखूल पढ़ा करते थे, जब इज़्ने दुखूल ख़त्म हो जाता था दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाया करता। अल्लाह चाह जब डोल बाहर आया तो फिर से जब आया। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मुझ जैसा दाफ़ेसुल ईमान इंसान वहाँ होता तो यकीनन यही करता कि डोल एक तरफ रखता, सर सजदे में रखता, कहता शुक्रन लिल्लाह, मुझे मेरी नमाज शब का ये सिला दिया तूने, मैं तेरा बड़ा शुक्र गुजार हूँ, और मैं रख लेता कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सिला है जो मैंने नमाज शब पढ़ी, ये तो सिला है, ये सिला छोटा है। उस नमाज शब का जो सालों तक पढ़ी हरम अमीरुल मोमिनीन में, एक डोल के जवाहरात का सिला बहुत छोटा सिला, बहुत छोटा सिला। तो इस मारिफत को रखने वाले मुकद्दस अर्दबेली ने देर ही नहीं लगाई, फौरन अंदर तीसरी बार भी जवाहरात निकले, एक मरतबा लरस गए और रोने लगे मौला की तरफ, रुक करके कहा मौला मुझे ये हीरे जवाहरात में कोई लज्जत नहीं, मुझे चंद चुल्लू पानी मिल जाए, मैं वुजू करके आपके हरम के सहन में नमाज शब पढ़ लूँ, वो जो लज्जत मुझे नमाज शब में मिलती है आपके हरम में, वो ये हीरे जवाहरात में से किसी चीज़ में नहीं मिलती। शेख मुकद्दस से अदबी
شیخ عباس قمی علامہ ہلی مقدس اردبیلی سید ابو الحسن اصفہانی ایوان تلا کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیے تو ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے جس میں دو تصویریں لگی ہوئی ہیں، آخند خراسانی اور سید ابو الحسن اصفہانی۔ سید ابو الحسن اصفہانی شیخ مقدس اردبیلی اور سید مہدی بحر العلوم، یہ وہ تین بارز اور تین ایسے آیا اور ظاہر نام ہیں، جب امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے انہیں ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، جب مولا سے ملاقات کرنا چاہتے تھے انہیں مولا سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ ابھی جو ہم آئے، آپ کو یاد ہوگا خواجہ نصیر الدین طوسی کی جب ہم نے بات کی تھی وہاں پر، کہاں پر؟ شہر کاظمین میں۔ شہر کاظمین میں جب بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہے اور ایک ہے شیخ طوسی جو نجف میں۔ تو جب ہم آ رہے تھے مولا کے حرم کے باب طوسی پر ہم رکے، اس کے بعد ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا، تو جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا لیفٹ پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کو مسجد جامع طوسی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جو پہلے شیخ طوسی کا گھر تھا، آپ نے اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت کی کہ اس میرے گھر کو مسجد کی حیثیت دے دی جائے، اس پر صیغہ مسجد پڑھا جائے اور لوگ یہاں پر آ کر نمازیں پڑھیں، ہر شب جمعہ یہاں پر مجلس ہو اور میری قبر کو اسی مقام پر قرار دیا جائے۔ شیخ طوسی وہاں پر مدفون اور سید مہدی بحر العلوم بھی اسی مسجد کے اندر ایک کونے پر مدفون، سید مہدی بحر العلوم بھی وہاں پر مدفون ہے اور انہی کی فیملی سے تعلق رکھنے والے اور بہت سارے افراد شہداء اور علماء بھی اسی مقام پر مدفون ہیں۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ حرم مطہر کو جو بنایا ہے شیخ بہائی نے، اس کی ڈیزائن کی، اس کا آرکیٹیکٹ کی، یہ آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم زیارت پڑھیں گے، آپ اندر زیارت کے لیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم حرم کی طرف بڑھیں گے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی محرابیں بنی ہیں، جن ہر محرابوں کے اندر ایک ایک دروازہ ہے، دروازے کے اندر پیچھے آفیسز ہیں، ایک زمانے کے اندر یہ طلبہ کی رہائش ہوا کرتی تھی، جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے یہاں حوزے میں پڑھنے والے، ان کی وہاں پر ریزیڈنس ہوتی تھی، رہائش ہوتی تھی۔ ایک دور تھا، بڑے خوش قسمت رہے ہوں گے وہ افراد کہ جن کی رہائش حرم کے اندر، اور پھر حرم کے اندر رہنے والے حرم کے تقدس کو سمجھ کر، اس تقدس کے تقاضے کو پورے کر کر زندگی گزارنے والے جب نکلتے ہیں تو کوئی شیخ انصاری بنتا ہے، شیخ عباس قمی بنتا ہے، کوئی شیخ جعفر نقدی بنتا ہے، کوئی شیخ جواد مغنیہ بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، اتنے بڑے نام۔ یہ جو محرابیں ہیں نا، علماء بیان کرتے ہیں، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا کہ شیخ عباس قمی نے اس کو اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر محراب کسی ایک ستارے سے منسوب ہے۔ کیا فائدہ؟ بہت سارے ستارے ہیں، خود علم نجوم ایک مستقل علم ہے، علم فلکیات، علم نجوم ستاروں کا علم اور فلکیات کا علم آسمانوں کا علم، ہر ستارہ کسی ایک علم سے منسوب ہے۔ جو کوئی شخص انسان علم فقہ بھی کام کرنا چاہتا ہے، اگر دن میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ خود کو اپنے آپ کو اس طرح سے بٹھائے کہ وہ ستارہ کہ جس کی ریز نکلتی ہیں، اگر وہ ریز اس تک پہنچ جائیں اور وہ علم فقہ کا ستارہ ہے اور یہ بھی علم فقہ پر کام کر رہا ہے، تو کم وقت میں انسان زیادہ کام کر سکتا ہے اور اس ٹاپک کو بہت جلدی کور کر سکتا ہے، اس کے سمجھنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات انسان سمجھے کہ یہ ساری کی ساری طاقت اس ستارے کی نہیں ہے، دراصل یہ طاقت پروردگار عالم کی ہے کہ جو ستارے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر آسمان انسان پر اثر انداز، سورج انسان پر اثر انداز، چاند انسان پر اثر انداز، ستارے انسان پر اثر انداز، بہت ساری کاسمک ریز ہیں کہ جو انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان اس اعتبار سے کیلکولیشن کرتا ہے اور وہاں پر کسی ایسی محراب کے بارے میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اگر علم تفسیر پر کام کر رہا ہے اور وہ اسی محراب میں جا کر بیٹھ جائے کہ جو اس ستارے کے سامنے رکھا گیا ہے، کہ دن میں ایک مرتبہ وہ ستارہ اس محراب کے سامنے پڑھتا ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرے، تو وہ بہت جلدی اپنے درس کو کور کر سکتا ہے، یا اس کی سمجھنے کی کیپیبلٹی میں اس ریز کی وجہ سے بڑھا۔
इजाफा हो जाता है और बहुत तेज़ी हो जाती है। हमने बहुत कोशिश की कि असातीद से पता करें लेकिन आज तक पता नहीं कर पाए। एक बात ज़रूर पता चल गई कि सितारों के पीछे भागने से बेहतर है कि उस सितारे के पीछे जाया जाए कि सारे सितारों की रोशनियां जिसके दर की चौखट पर आकर सजदा रेज हो जाती है। अगर अली अपने अभी तालिब का दामन थाम लोगे, किसी सितारे की जरूरत नहीं है, बस अली से तवसुल करो, अली के जरिए से अपने सर को जाकर अपने दिमाग को जाकर मस करो, मजाल है कि तुम्हें इल्म फिका की कोई मुश्किल बहस हल ना हो जाए, मजाल है कि कोई तुम्हें इल्म तफसीर का कोई जौहर ना मिल जाए, मजाल है कि कोई दर्स तुम्हें हल ना। बस ये बात जो हकीकत थी वो हमने आपको बयान किया और फिर जो मौला से उसका रब था वो भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम हमें दुनिया की हर नेमत अता करे, आखिरत का हर खैर अता करे, हर शर से हमें महफूज रखे और मौलाए कायनात की मारिफत हमें अता करे कि अगर ये दौलत हमें मिल जाए तो फिर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमारे कदमों में आ जाया करेंगी। मौलाए कायनात की रजा को हमारे शामिल हाल रखे। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले ज़ारत नबीउल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, अगर आप लोग के पास किताब मौजूद है तो किताब के पेज नंबर 298 सफ़ा नंबर 298 पर आप ज़ियारत को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ज़ियारत पढ़ते हैं जनाब हूद व सालेह नबी अल्लाह अलैहिम सलातो व सलाम की कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अला औलियाइल्लाहि व असफियाए, अस्सलामु अला उमनाइल्लाहि व अहबाए, अस्सलामु अला अंसारिल्लाहि व खुलफाए, अस्सलामु अला महल मारिफतिल्लाह, अस्सलामु अला मसाकिन ज़िक्रिल्लाह, अस्सलामु अला मुज़हिरि अमरिल्लाहि व नहयिह, अस्सलामु अला दुआति इलल्लाह, अस्सलामु अला अल-मुस्तक़िरीन फ़ी मर्ज़ातिल्लाह, السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل، وأشهد الله أني سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وعلانيتكم ومفوض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وأبرأ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله صفا نمبر 300 پیج نمبر 300। जो शख्स ये ज़ियारत पढ़ता है ज़ियारत अहले कुबूर, परवरदिगार आलम उसके नामे आमाल में 50 साल की इबादत के सवाब का इजाफा करता है और उसके मरहूमीन के 50 साल के गुनाहों में कमी वाक़े करता है, उसे माफ़ करता है। ज़ियारत अहले कुबूर उन तमाम मरहूमीन शुहदा सुलहा आबिदीन अम्बिया जितने मुक़दस परवरदिगार आलम के अफराद जहाँ पर मौजूद हैं जो दफन किए गए, खुसूसियत के साथ आप हाजरीन में से अगर कोई ऐसा है कि जिनका कोई मरहूम वादी उस्सलाम में दफनाया गया उन्हें भी शामिल करते हुए, खुसूसियत के साथ मरहूम मौलाना सैयद हाशिम रज़ा जाफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनकी कब्र यहाँ से कुछ फासले पर है उन्हें भी शामिल करते हुए ज़ियारत अहले कुबूर पढ़ेंगे कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अला अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله एक सूरह फातिहा की तिलावत की करेंगे और यहाँ पर इस वादी उस्सलाम में मौजूद जितने मरहूमीन हैं मरहूमीन मरहूमात के अरवाह के लिए ईसाल फरमाइएगा। रहमतुल्लाह मन क़रअ अल फातिहा।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اعلان سماعت فرمائیے یہ جو آپ کو پانی کی بوتلیں دی گئی ہیں تو خالی بوتلیں برائے مہربانی ڈسٹ بن میں ڈال کے جائیے گا یا چھوڑ کے نہیں جائیے نمبر دو اگر آپ کو مزید کسی کو پانی چاہیے تو یہاں موجود ہے وہ لے لیں رات کو دوبارہ لحاظ جانی کرا دی جائے کہ 8:30 بجے آغا بشیر نجف سے ملاقات کے لیے جانا ہے اگر جو جانا چاہتا ہے وہ 8:30 بجے لابی میں آ جائے صبح 7 بجے ندائی زیارت کے لیے ہم اسی جگہ ملاقات کریں گے صبح 7 بجے جہاں ہم نے پہلی زیارت کی تھی یعنی بابو سا کے قریب زیارت کے آنے سے پہلے اپنا سامان لگیج لابی میں چھوڑ دیجیے گا فجر کے بعد سے لے کے صبح 7 بجے سے پہلے پہلے تاکہ جب آپ زیارت کر کے واپس آئیں تو یہ بسوں کے اندر ٹرافک ہو چکا ہو چابی ناشتہ کرنے کے بعد روم میں جانے کے بعد آپ کو 10 بجے تک چابی کاؤنٹر میں بلکہ گروپ لیڈرز کے حوالے کرنی ہے تاکہ ہم ٹائم پہ چیک آؤٹ کر کے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو موبائل سے نکل دیکھا بول لیجیے ਸ਼ਿਵੀ
You?